उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इस खुशी में पूरे मध्य प्रदेश के मंदिरों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में आर्थिक राजधानी इंदौर के मंदिरों में भी महाकाल लोक के लोकार्पण का लाइव प्रसारण किया गया और महाकाल लोक की अलौकिक छटा के दर्शन करवाए गए। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाकाल लोक के लोकार्पण अवसर का भारतीय जनता युवा मोर्चा ने लाइव प्रसारण दिखाया। हंसराज मठ श्री राम लक्ष्मण जानकी मंदिर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने महाकाल लोक का लोकार्पण कार्यक्रम देखा, जिसकी जानकारी देते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने बताया कि इस मौके पर संत महात्मा समेत तमाम लोगों ने इस महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर का लाभ लिया। युवा मोर्चा इंदौर महानगर के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से देश के ही नहीं अभी तो पूरे विश्व के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जन जन के मन में बसने वाले सम्मानी नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की इस पावन धरा में आगमन हुआ है और जिस ईश्वरीय कार्य के लिए वो आ रहे हैं, समूचे विश्व में मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का नाम गौरवान्वित हुआ है। आज इंदौर वासियों के लिए, उज्जैन वासियों के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। इस क्षण के साक्षी युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने इस क्षण को जिया है, देखा है। उसी निमित्त आज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो छाया प्रति आपने देखी है कि यहाँ पर हंसदास मठ इंदौर का एक बहुत ही पावन पवित्र स्थल है, उस स्थल पर बाबा महाकाल का अभिषेक कर उस बाबा महाकाल के स्थान को बहुत ही खूबसूरत तरीके से साज सज्जित करते हुए महाकाल लोक जिस चित्र के माध्यम से बना उसी की छाया प्रति बनाने का कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया। उसी निमित्त आज युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के संबोधन को भी सुना और सुनने के बाद में यहाँ पर आज इस हंसदास मठ में परम पूज्य संतों का भी हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने आशीर्वचनों से आशीर्वाद मिला। वहीं इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुकुम चंद सांवला, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, दादू महाराज, हंसराज मठ के मुख्य पुजारी पवन शर्मा, अश्विनी शुक्ल, कमल वाघेला, अमित पालीवाल, अंकित रावल, नाना चौधरी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।